आज हमारे पास एक इन्वर्टर है जो कि सोलर पे काम करता है, लाइट पे भी चार्ज करता है। सोलर से चार्ज करता है, लाइट से भी चार्ज करता है। ये एक तरीका का पीसीयू है। इसमें समस्या ये आ रही है, मेंस पे लगाने के बाद यहाँ पे रेड लाइट हो जाती है, आवाज़ करने लगता है। तो चलिए इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या समस्या आ रही है। तो हमने यहाँ पर अपने बैटरी माइनस का पहले से लगा ली है और यहाँ पे अब हम बैटरी प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हमने बैटरी प्लस डाल लिया। ये इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। 13 वोल्ट बैटरी बता रहा चार्ज है। यहाँ से इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ऑफ हो गया, यहाँ से ऑन होगा। तो चलिए इसको पहले हम आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट दे रहा है नहीं। तो ये रही हमारी सॉकेट, इसमें हमारा आउटपुट ये सोलर वाला है सिस्टम। इसमें बैटरी सोलर प्लस सोलर माइनस यहाँ से डायरेक्टली इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये 16 एम्पियर की सॉकेट लगी हुई है, यहाँ से आउटपुट देता है। तो चलिए इसको पहले आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत आउटपुट में नहीं आ रही है। अब बात करते हैं चार्जिंग पे। चार्जिंग लगाने के बाद क्या समस्या आ रही है। तो ये रहा हमारा मेन पावर बोर्ड, यहाँ से हम चार्जिंग वाली सप्लाई देंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या समस्या आ रही है। ये देखिए ये समस्या आ रही है। इसमें लिख रहा है फ्यूज एमसीबी ट्रिप, यानी कि ये बता रहा है कि हमारे फ्यूज में दिक्कत है। तो चलिए फ्यूज को चेक करते हैं क्या समस्या हो रही फ्यूज में। तो भाई ये रहा हमारा फ्यूज, और जैसे कि एमसीबी लिख रहा था एमसीबी ऑफ, तो हमारी एमसीबी इसमें है नहीं। ये रही हमारी फ्यूज, तो इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या समस्या हो रही है। तो फ्यूज को पहले बाहर निकालते हैं। तो ये रही हमारी फ्यूज़ बाहर निकल गई। अब हम इसमें देखते हैं कहीं जली हुई नहीं थे। तो ये फ्यूज भी हमारी एकदम सही है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एकदम कटी हुई नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं आप भी, यहाँ से कोई कटी हुई नहीं है, फ्यूज हमारी एकदम ओके है। उसके बाद भी यह समस्या आ रही है, तो फ्यूज को वापस हम लगा दे रहे हैं। फ्यूज को हमने लगा दिया है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के अंदर की प्लेट के बारे में। अब इसको हम ओपन करेंगे, फिर देखते हैं क्या समस्या है इसमें। तो हमने इन्वर्टर को पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। अब बात करते हैं फ्यूज की। सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे। ये रहा हमारा फ्यूज, देख सकते हैं ये हमारी रेड वाली वायर, और उसके बाद में ये हमारी वाइट वाली वायर यहाँ से फ्यूज से निकली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ से मेन वोल्टेज यहाँ हमारे आ रहा है या नहीं, जैक पे हमारे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या समस्या होगी। तो हमने इन्वर्टर को ऑन कर लिया है, उसके बाद ऑन करने के बाद यहाँ से सप्लाई चेक करेंगे जैक पे कितना निकाल रहा है। तो हम यहाँ पे अपना मेन लीड अपने सॉकेट में लगाएंगे। फिर वही समस्या आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एक मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड कर देंगे। हमने एक माइनस पे लगा लिया है, देख सकते हैं आप, हमने माइनस पे लगा लिया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सप्लाई निकाल रही है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे वाइट वाले वायर पे, ये इसके बगल में रहा मेरा वाइट वाला वायर, ये रहा वाइट वाला वायर,
देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में कुछ नहीं दिखा रहा है। तो चलिए आप फ्यूज के पास चेक करते हैं होल्डर में। ये रहा हमारा फ्यूज होल्डर, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। यहाँ पे नहीं बता रहा है। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये हमारा मल्टीमीटर 220 वोल्ट बता रहा है, यानी हमारी सप्लाई यहाँ तक आ रही है, उसके बाद यहाँ से नहीं निकल रही है। तो फ्यूज तो हमारा ओके था, तो अब हम फ्यूज होल्डर को चेक करेंगे। यहाँ 220 बता रहा है, यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ बता रहा है 220, देख सकते हैं आप, यहाँ नहीं बता रहा है, यानी कि ये हमारा होल्डर गड़बड़ ही है हमारा होल्डर, चाहे अंदर से जल गया हो या तो फिर ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले उसको चेंज करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ से हम वायर डिस्कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से वायर भी बैटरी माइनस प्लस का निकाल देंगे। तो हम यूज़ करेंगे इसमें फ्यूज की छोटी वाली होल्डर, इस टाइप की, नीचे गिर गई। तो यही होल्डर हम लगाएंगे अपने एप्रो इन्वर्टर में, एप्रो पीसीयू में। तो चलिए इसको लगाने के बाद चेक करते हैं, तब पता चलेगा कि क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्यूज होल्डर चेंज कर दी है, उसके बाद अब चेक करते हैं क्या समस्या आ रही है। सही है तो फिर कोई बात नहीं, जो दिक्कत होगी तो इसको हम और प्लेट में देखेंगे। तो हमने वहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर ली है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, इन्वर्टर हमारा चालू हो गया है। उसके बाद ये हमारी रही वायर इन्वर्टर की मेन लीड, अब हम इसमें चेक करेंगे। तो ये हमने लगा दिया, ये हमारी बैटरी चार्ज होने लगी। समस्या थी फ्यूज होल्डर वाली, यहाँ पे हमारा वोल्ट बता रहा है 210 वोल्ट के तकरीबन में हमारा वोल्टेज है। और ये रहा हमारा एम्पियर मीटर जो कि चार्ज करने लगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।